तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका ACC डिफेंस एकेडमी में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स से आपके 5 क्वेश्चन आते हैं ACC एग्जाम में। तो वो क्वेश्चन आपके मिलिट्री एक्सरसाइजेस से रहेगा, एक क्वेश्चन अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स से रहेगा, और आज हम जिस वीडियो को डिस्कस कर रहे हैं डेज एंड थीम्स, इससे एक क्वेश्चन आपका पक्का आना है। तो यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं इन्हीं वीडियो से, तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें 131 के एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कि 15 जनवरी को ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने दादा साहब यादव जो थे, कासावा दादा साहब यादव, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को एज अ स्पोर्ट डे घोषित किया है, डिक्लेयर किया है। तो वो स्टेट है आपका महाराष्ट्र स्टेट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका, सी महाराष्ट्र। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेलिब्रेट किया अपना 66 फाउंडेशन डे, तो वो किस डेट को था, ठीक है। तो इसका आपका आंसर होगा 1 जनवरी 2024। नेक्स्ट है, व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेल डे ऑब्जर्व एनुअली, तो जो कि ब्रेल लिपि बनाई थी जिन्होंने, जो कि आपके ब्लाइंड पर्सन हैं उनको पढ़ने के लिए मदद करती है, ठीक है। तो उनका जन्म कब हुआ था, 4 जनवरी को। तो वर्ल्ड ब्रेल डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम, 4 जनवरी को। नेक्स्ट है आपका, PM नरेंद्र मोदी लॉन्च दी स्वच्छ मंदिर कैंपेन टू बी हेल्ड ड्यूरिंग विच पीरियड, तो ये पीरियड कितना था, 14 जनवरी टू 22 जनवरी 2024 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। प्रवासी भारतीय दिवस, ये क्वेश्चन कई बार आपका आया हुआ है, बहुत से मेन एग्जाम में, इवन ACC में भी देखने को मिला हुआ है ये क्वेश्चन कि आपका जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, 76 आर्मी डे सेलिब्रेटेड इन 2024, तो ये किस सिटी में सेलिब्रेट किया गया था, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है आपको पता है, और इस बार जो था वो लखनऊ में सेलिब्रेट किया गया था, और जो थीम थी आर्मी डे की इस बार वो थी इन सर्विस ऑफ द नेशन। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको हम IMD भी बोलते हैं, इसने अपना 150वां इस्टेब्लिशमेंट का ईयर अभी सेलिब्रेट किया हाल ही में, तो ये किस डेट को मनाया जाता है, तो ये है 15 जनवरी को, जिस दिन आपका आर्मी डे रहता है। व्हेन डिड PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 75 ईयर्स हो जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायमंड जुबली, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनॉग्रेट किया, तो ये किस डेट को किया, 28 जनवरी 2024 को। वॉट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पोलिया वैसाखी वेस्ट बंगाल एज अ डिक्लेयर्ड बाई द गवर्नमेंट, तो इसको क्या डिक्लेयर किया गया है, एक स्टेट डे डिक्लेयर्ड किया गया है। वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाते हैं हम, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, 10 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी 1975 नागपुर महाराष्ट्र में, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। वेयर वॉज दी 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल 2024 इनॉग्रेटेड बाई PM मोदी, तो जो नेशनल यूथ डे था ये मनाया गया था नासिक महाराष्ट्र में, ठीक है। यूथ फॉर द यूथ, युवा के लिए, युवा के द्वारा, ये इसका थीम था। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF है, इसने अपना 19th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया हाल ही में, तो वो किस जनवरी के डेट में हुआ था, 19 जनवरी को NDRF, और सबसे फर्स्ट टाइम 2006 में इन्होंने मनाया था। SSV सशस्त्र सीमा बल सेलिब्रेटेड 16 रेजिंग डे इन 2024, तो वो कौन से दिन, 20 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, जो कि क्या है, इंडिया बॉर्डर विथ नेपाल एंड भूटान इस्टेब्लिश इन 1963 में SSV की स्थापना की गई थी, बनाया गया था। विच थ्री नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सेलिब्रेट देयर 52nd स्टेटहुड डे ऑन 21st जनवरी, तो वो कौन से 3 स्टेट हैं, त्रिपुरा, मेघालय एंड मणिपुर, जो कि सबसे पहले इन्होंने 1972 में फर्स्ट स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया था। व्हेन इज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया ईच ईयर, तो गर्ल चाइल्ड डे हम कब मनाते हैं, 24th जनवरी को। ऑन विच डेट नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेट एनुअली इन इंडिया, टूरिज्म डे हम मनाया जाता है 25th जनवरी को, जो थीम थी इस बार की वो थी सस्टेनेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरीज। वॉट इज़ दी थीम ऑफ नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 25th जनवरी 2024, तो इस बार की जो थीम थी, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ठीक है। इट मार्क्स द फाउंडेशन डे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन डे
इलेक्शन कमीशन जब इस्टेब्लिश हुआ था 25 जनवरी 1950 को, उसी के आधार पर हम वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 131 132 का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि आप अभी के अभी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको मैसेज करना होगा इस व्हाट्सएप नंबर पर। इस पर जैसे ही आपको मैसेज करेंगे, आगे के डायरेक्शन आपको बता दिए जाएंगे किस तरह से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीकेंड पे आपको 30% ऑफ मिल रहा है। पराक्रम दिवस हम कब मनाते हैं? पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी के बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में, तो ये 23 जनवरी को मनाते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश स्टेटहुड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है आपका 24 जनवरी को, ठीक है, जबकि यूनाइटेड प्रोविंस वार रीनेम्ड एट उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 में इसको डिक्लेयर किया गया था। हिमाचल प्रदेश अपना स्टेटहुड डे कब मनाता है? तो ये मनाता है 25 जनवरी को, ठीक है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। टैगलाइन रिलीज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा 2024, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका इस बार आ सकता है, क्योंकि इस बार जो इलेक्शन है 2024 में, तो चुनाव का पर्व देश का गर्व, नेशनल वोटर्स डे 2024, तो ये इस बार की थीम लाइन है इन लोगों की, ठीक है। वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज एनटीडी डे ऑब्जर्व्ड ईच ईयर, तो ये 30 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड लिप्रोसी डे, तो ये लास्ट संडे ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है वीट लिप्रोसी, जो इस बार का थीम था। मार्टर्स डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ईच ईयर, ये कब मनाते हैं हम? तो ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। मार्क्स दी डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, 1948 में जो कि हुई थी। नेक्स्ट है आपका ऑन विच डेट नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेटेड ईच ईयर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है, और इस बार का जो हमारा थीम था वो था स्टार्टअप अनलॉकिंग इनफिनाइट पोटेंशियल, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही 131 132 का जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको फुल पीडीएफ के साथ में मिलने वाले हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ये लेक्चर डाउनलोडेबल रहेंगे, आप इनको डाउनलोड करके रख सकते हैं। साथ में डेली आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी 9 से 11 तक, उनमें आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, एक एक टॉपिक आपको वहाँ पर बताया जाएगा, उन क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगी। इनकेस आप ड्यूटी पर हैं और क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट डे आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसकी आपको कोई चिंता नहीं करनी है, ठीक है। एक बार आप कोर्स एनरोल करते हैं तो आपकी जो जितनी भी जिम्मेदारी है वो हमारे ऊपर आ जाती है, कि आपको कोर्स कंप्लीट कराना है, रिवीजन कराना है, वीकली मॉक टेस्ट कंडक्ट कराना है, उसके असेसमेंट के आधार पे आपकी जो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं वो कंडक्ट करानी है, तो ये सब आपको मिलने वाला है इस कोर्स में, ठीक है। साथ में जो आपके लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी यहाँ पर आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो ओवरऑल आपकी जो रैंकिंग है वो टॉप 500 में लाना हमारा लक्ष्य रहता है। यदि आप इसको एक बार ज्वाइन करते हैं तो हम आपको श्योरिटी देते हैं कि आपकी जो रैंकिंग है वो टॉप 500 में रहेगी। तो ज्वाइन करने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 8120745966 पर, या फिर डायरेक्ट आप एप्लीकेशन के थ्रू इसे एनरोल कर सकते हैं। डाउनलोड करेंगे आप ACC डिफेंस अकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखेगा मोबाइल में, तो वहाँ पे कोर्सेज पर क्लिक करके आप ACC 131 न्यू बैच पर क्लिक करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप हार्ड बुकलेट्स प्रेफर करते हैं, जिसमें आपको थ्योरी MCQ एंड मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, तो ये सब कुछ मिल जाएगा आपको हार्ड बुकलेट्स के लिए, जो कि आपको आपके ऑन एड्रेस पर विद इन 5 डेज सेंड कर दी जाएंगे। इसको भी आपको ऑर्डर करने के लिए मैसेज करना होगा 8120745966 पर, एंड 30% ऑफ यदि आपको चाहिए तो आज ही के आज एनरोल करें। थैंक यू एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।